अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तमाम जितने भी मेरे दोस्त हैं चैनल को देखने वाले हैं, वो तमाम यही कह रहे हैं कि घर में रहने की वजह से उन्होंने कोई 20-20 किलो जो है ना वज़न जो है वो अपना बढ़ा लिया है। और वो कहते हैं कि जी हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज बताए जो हमारे स्टमक फ़ैट भी कम करे और ओवरऑल बॉडी के फ़ैट भी कम करें। तो जब हम योगा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तभी आपकी जो है वो हेल्थ बेहतर होती है। तो लाइफस्टाइल में कम से कम तीन फैक्टर तो हमेशा आप याद रखें, उसको इंक्लूड करें, उसको जो है फॉलो करें, फिर ही आप रियल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्चुअली फैट लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर आएगी स्लीप। आपने जो है ना वो सोना टाइम पर है और उठना टाइम पर है और रात की नींद लेनी है। सेकेंड नंबर पे आएगा जी आपका ईटिंग हैबिट्स। आपके ईटिंग हैबिट्स के क्या क्या टाइम होंगे और आपने ऑर्गेनिक खाना है, घर का बना खाना है और बाहर का नहीं खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जो तमाम ऑर्गेनिक है वो आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। और तीसरा है वर्कआउट। और योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा जो बेली फैट को हमारी टारगेट करेंगी और ओवरऑल भी हमारी बॉडी को जो है ना वो टारगेट करेंगी, जिसमें हमारा फैट जो है वो कम से कम होगा। तो बेली फैट को कम करने का सिर्फ एक मकसद नहीं है, हमारा कोर स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स है, सेंटर वाला मसल्स है, तमाम बॉडी इस पर स्टेबलाइज होती है। ठीक है, आपकी बॉडी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और उसके अलावा जो है ना आपकी जो चाल है, वॉक है और आपका बैठने का एंगल, वो तमाम आपका स्ट्रेट हो जाएगा, इम्प्रेसिव अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जितने ड्यूरेशन की मैं आपको बताऊँगा वैसे ही आपने इसको परफॉर्म करना है। ठीक हो गया जी। तो पहले हम जो है वो एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इस पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, अगर आपको स्टार्ट में बैलेंसिंग का इशू हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बैलेंसिंग एब्सोल्युटली जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने इस पोजीशन में बैठना है। ठीक है, ये देखिए इस पोजीशन में है। अच्छा, इस पोजीशन में हमने आना है होलो बॉडी पोजीशन में। ये देखिए, ये हाथ स्ट्रेट हो गए और हमने इसको पुश करना है इस तरह से, वन, ठीक है जी, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ऑलराइट, तो आपने ये 10 के 3 सेट कर लेने हैं। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब हम पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो कोर को एंगेज करना होता है ताकि कमर हमारी प्रोटेक्टेड रहे, कमर पे जो है ना हमारी पेन ना हो। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लेटे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कमर के नीचे गैप होता है, आपने इस गैप को फिल करना है कमर को इस तरह से। ठीक है, हम थोड़े से कंधे उठाते हैं या हम टांगों को एडजस्ट करते हैं ताकि कमर जो है हमारी वो बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो जाए, तो फिर हमारा जो है वो कोर एंगेज होगा और हमारी बैक पे पेन नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टमक की एक्सरसाइज इसलिए पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारी बैक हर्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कोर को एंगेज करना है। 3 सेट आपने इसके कर लिए, देन सेम पोजीशन में मैं आपको बताता हूँ आपने 3 सेट 10-10 के रेपिटेशन के उसके परफॉर्म करने हैं। वो क्या होगा, पहले हाथ आप ऊपर लेके गए हैं, अब हाथ हम पीछे की तरफ लेके गए जाएंगे, जिस तरह से वो बोटिंग करते हैं, कश्ती चलाते हैं, इसी पोजीशन में आए हम। ठीक है, और हमें जाते हैं ये देखिए, हम होलो बॉडी पोजीशन पे हूँ मैं, कमर ज़मीन पे लगी हुई, अगेन ये फॉरवर्ड आए एंड देन ज़ोर से पीछे आएंगे, फॉरवर्ड ऐसे, ऑलराइट, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ऑलराइट, तो 3 सेट आपने उसके परफॉर्म किए एंड 3 सेट आपने इसके परफॉर्म करेंगे। आप देखेंगे कि आप इस तरह पुश कर रहे हैं तो आपके चेस्ट के मसल भी जो है वो एंगेज हो रहे हैं, लेग्स के, तो फुल बॉडी के फैट के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब हम परफॉर्म करेंगे जो एक्चुअल होलो बॉडी पोजिशन होती है। आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 मिनट्स के लिए, लेकिन स्टार्ट में अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं 30 सेकेंड तो ये आपके लिए बहुत होगी। ऑलराइट, तो उसको आपने क्या करना है, आपने लेट जाना है और अपनी लेग्स जो हैं उसको आपने तकरीबन 6 इंचेस
इसको उठाना है ताकि आपकी कमर जमीन पे लग जाए, ठीक हो गया, और कंधों को उठाना है 6 inches, और आपने गर्दन जो है वो अपनी नॉर्मल जो है न्यूट्रल पोजिशन पर रखनी है, और हाथ स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, और सांस लेना आपने नहीं भूलना। आई एम फीलिंग वेरी बर्निंग सेंसेशन ऑन माई एब्स। अगर इस पोजिशन में कोई 200 किलो वजन भी रख देंगे मेरे स्टमक पे, सो आई विल हैंडल इट, आई विल बियर इट। ऑल राइट, एंड स्लोली स्लोली गेट बैक, ठीक हो गया जी। अब तो ये पोजिशन हमने परफॉर्म की 30 सेकेंड, ये आप एक ही दफ़ा परफॉर्म कर लें स्टार्ट में। इसके बाद जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन है वो है रिवर्स होलो बॉडी पोजिशन। उसमें भी आपका बैक मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसके अलावा आपके फुल जो फ्रंट बॉडी है उसके फैट जो है ना वो कम होंगे, मसल्स अच्छे होंगे। आपने करना क्या है, सेम जिस तरह आपने होलो बॉडी पोजिशन परफॉर्म की है इस तरह, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने लेट के इस तरह टांगों को उठाना है और हाथों को भी स्ट्रेट उठा देना। सिर्फ पूरा वजन आपका जो है ना वो आपकी बॉडी पे रहेगा, आपके पेट पे रहेगा, ठीक है। और होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। हो सकता है कि देखने में आसान आपको पोजीशन लग रही होगी, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पे जो है ना वो एक बर्निंग सेंसेशन है, और इस पोजीशन में बोलना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड स्लोली स्लोली गेट बैक, हाथ ऐसे रखें अपनी कोनी पे, टांगे उठाएं और स्लोली स्लोली लेफ्ट एंड राइट पोजीशन को परफॉर्म करें, हल्का हल्का सा ऐसे। ऑलराइट, और स्लोली स्लोली हम उठ के इस तरह से बैठ जाते हैं, ठीक हो गया। तो आप ये 4 exercise परफॉर्म करें जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए मुझे पसीना भी आ रहा है, हालांकि मौसम अभी अच्छा है, इतना मौसम गर्म नहीं है। जो फर्स्ट सेट था उसके 10 repetition 3 sets, सेकंड वाले के 10 repetition 3 sets, सेकंड और थर्ड 30 सेकंड आपने होल्ड करना है। अगर आप ये 3 times इन अ वीक परफॉर्म करें तो आप देखेंगे कि आपके तमाम बॉडी के जो फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएंगे, और यू विल बी एब्सोल्युटली लीन एंड यू विल बी एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी। इनको ज़रूर फॉलो करें, और वो तमाम लोग जो अपनी बॉडी फैट कम करना चाहते हैं, बैली फैट को कम करना चाहते हैं, उनको भी ये शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। जाते हुए एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सिर्फ 4% सब्सक्राइबर हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब इसको ज़्यादा प्रमोट करेगा, एल्गोरिथम थोड़ा सा वर्क करेगा, तो ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो जो है वो जा सकेगी। और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछने चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है अजीम योगा के नाम से, आप उसको फॉलो करें और मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआ करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।